132 साल की हो चली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जाहिर है असर याददाश्त पर भी उम्र का पड़ रहा है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी को भूलने की आदत से देश की एकता अखंडता पर सवाल खड़े हो जाएं तो उसे हस्बे मालूम गलती नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने मोदी सरकार की निंदा से भरी 16 पेज की पुस्तक में ऐसी गलती कर दी कि अब माफी मांगनी पड़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को लखनऊ में मोदी सरकार के 3 सालों की विफलताओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें एक बुकलेट जारी की। बुकलेट की खास बात ये रही कि जिस नक्शे को छापा गया उसमें जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर के तौर पर दिखाया गया। सत्ताधारी बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस की राजनीति है, ये कांग्रेस का कल्चर है, और ये जिस पार्टी का हेड राहुल गांधी हो तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसकी वैसी ज्योग्राफी हिस्ट्री काफ़ी कमज़ोर है। एक दो साल के बच्चे को भी अगर आप दे दें नक्शा बनाने के हिंदुस्तान का, वो एक प्रॉपर हिंदुस्तान का नक्शा बनाएगा। और इन्होंने ये कांग्रेस ही इतने नीचे स्तर पे गिर गए कि इनको चिंता ही नहीं है कि वर्ल्ड फोरम पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस नक्शे का असर क्या होगा। कांग्रेस पार्टी का कभी भी राष्ट्रवादी सोच नहीं रहा। कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही, कांग्रेस की नीति हमेशा तुष्टीकरण की रही, और कांग्रेस की नीति हमेशा अखंड कश्मीर के विरुद्ध रही। इसलिए कांग्रेस का तो सोच ही हमेशा से राष्ट्र विरोधी रहा है। चौतरफा हमलों से घिरी कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी वेबसाइट पर पहले इस तरह की गलतियां कर चुकी है, लेकिन उसने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती फिर कभी ना हो, लेकिन बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद देश से माफी मांगे। मैं डिमांड करता हूं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी इस पर देश से माफी मांगे। यदि जरा सा भी राष्ट्रभक्ति उनमें है भारत के प्रति, वो तुरंत ऐसे गलतियां बार बार करने वाले साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की माफी ना मांगने की सूरत में बीजेपी पार्टी पर मुकदमे की तैयारी कर रही है, तो वहीं पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर नीति पर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर देश की कमजोरी बन गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर कंप्लीटली मिसहैंडलिंग कश्मीर। दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंट्री by their incompetence and by trying to utilize Kashmir as a political asset. राहुल गांधी को इतिहास बोध नहीं है, यदि होता तो शायद ऐसा नहीं बोलते। कश्मीर की जो आज समस्या है, उस समस्या की जड़ में नेहरू गांधी परिवार है। अब कांग्रेस चाहे कोई आलोचना करे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे इस गलत नक्शे की वजह से खुद कटघरे में आ गई है। कांग्रेस अब ये बताने की कोशिश में है कि बीजेपी भी हमारी तरह ही गैर जिम्मेवार पार्टी है, क्योंकि उसने भी अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी से भी ऐसी गलती हुई तो उसके आधार पर कांग्रेस की ऐसी भयंकर भूल को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। जाहिर है कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी बताने का बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया, तो वहीं कांग्रेस अपनी कमजोरियों की वजह से बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम को आसान बनाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।